हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम बकेश और मैं आप सभी के लिए ऑटोमोटिव वीडियो लेके आता रहता हूँ। एंड साथ में बात करने वाला हूँ बजाज की इलेक्ट्रिक रिक्शा के बारे में। हेलो फ्रेंड्स, फाइनली बजाज कंपनी है वो अपनी री इलेक्ट्रिक रिक्शा है वो जल्दी इंडिया के अंदर लॉन्च करने वाली है। फ्रेंड्स, बजाज के अभी तक जो री CNG रिक्शा देखने को मिलती थी, अब से वो हमें इलेक्ट्रिक पावर ट्रेन के साथ देखने को मिलेगी। तो मैंने बजाज की री इलेक्ट्रिक रिक्शा है, उसके पावर ट्रेन, टॉप स्पीड, ड्राइव रेंज, जो सारी डिटेल्स जो है वो लीक आउट हो गई है अपने लॉन्च डेट से पहले ही। तो फ्रेंड्स, आप भी अगर बजाज के ऑटो रिक्शा परचेज करना चाहते हो इलेक्ट्रिक वेरिएंट के अंदर, तो फ्रेंड आप ये वीडियो एंड तक देखिए ताकि आपको पता चले कि इसके अंदर में क्या डिफरेंस देखने को मिलता है, मतलब अदर रिक्शा और इलेक्ट्रिक रिक्शा के अंदर में क्या डिफरेंस देखने को मिलता है। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो मेरी बजाज कंपनी है वो अपनी फर्स्ट इलेक्ट्रिक रिक्शा बजाज री ईवी के नाम से सेल आउट करने वाली है, मतलब जो उसका नाम है वो हमें बजाज री ईवी के नाम से देखने को मिलेगा। और फिर हमें बात करने वाले इसके पावर ट्रेन के बारे में कि इसके अंदर कौन सी मोटर देखने को मिलती है। तो बजाज की इलेक्ट्रिक रिक्शा है फ्रेंड, इसके अंदर हमें 43 किलोवाट की इलेक्ट्रिक मोटर देखने को मिलती है, जिससे हमें जो उसकी टॉप स्पीड है वो 42 किलोमीटर पर आवर की टॉप स्पीड देखने को मिलेगी। मतलब फ्रेंड, जो रिक्शा की जो टॉप स्पीड है वो हमें ओनली 42 किलोमीटर पर आवर की ही देखने को मिलती है। और फ्रेंड, इस रिक्शा के अंदर में मिलने वाला है 1.2 किलोवाट का चार्जर। और फ्रेंड, हमें बात करने वाला है इलेक्ट्रिक रिक्शा के बैटरी के बारे में, किसमें हमें कौन सी बैटरी देखने को मिलती है। तो फ्रेंड, इसके अंदर में मिलने वाली है 48 किलोवाट की स्वैपेबल लिथियम आयन बैटरी बैक देखने को मिलता है, जिसके अंदर जो है वो हमें 120 किलोमीटर की ड्राइव रेंज देखने को मिलेगी। और फ्रेंड्स, अगर आप रिक्शा को एक बार चार्ज करते हो तो फ्रेंड आपको 120 किलोमीटर जितनी जो है वो आपको ले जा सकती है। और फिर जो बजाज की जो इलेक्ट्रिक रिक्शा है वो हमें यूनिक्यू डिज़ाइन के साथ डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के साथ देखने को मिलने वाली है। और फ्रेंड, हमें बात करने वाला है इलेक्ट्रिक रिक्शा के प्राइसिंग के बारे में कि कौन से प्राइस रेंज के अंदर हमें देखने को मिलती है। तो फ्रेंड, ये जो रिक्शा है वो हमें इंडिया के अंदर 1.65 लाख से लेकर 2.70 लाख रुपीज़ जितना जो प्राइस है उसके बीच में हमें ये इलेक्ट्रिक रिक्शा देखने को मिलेगी। और फ्रेंड, हमें बात करने वाले इस रिक्शा के डायमेंशन के बारे में, तो फ्रेंड ये जो रिक्शा है वो हमें 2,740 mm लेंथ के साथ देखने को मिलेगी और 1,350 mm हमें विड्थ के साथ देखने को मिलेगी और 1,772 mm हाइट के साथ और 2,010 mm जो है वो हमें व्हील बेस के साथ देखने को मिलेगी। और फिर जो इलेक्ट्रिक रिक्शा है वो हमें 1+3 सीटिंग लेआउट के साथ देखने को मिलने वाली है। तो फिर फिलहाल तो जो इलेक्ट्रिक रिक्शा है फ्रेंड, इसके बारे में ज़्यादा डिटेल्स लीकआउट नहीं हुई है, मतलब ऑलमोस्ट जो सारी डिटेल्स जो है लीकआउट हो गई है, बट कुछ डिटेल्स लीकआउट नहीं हुई है। बट जैसे इसके बारे में और भी कुछ नई डिटेल्स आती है तो फ्रेंड जल्दी मैं आपके लिए एक नया वीडियो लेके आऊँगा। और फ्रेंड, इसी तरह से अगर आपको हमारे न्यू इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने हो तो फ्रेंड आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और नोटिफिकेशन बेल दबाना ना भूलें, ताकि हमारे चैनल की हर आने वाले लेटेस्ट वीडियो की अपडेट आपको जल्द से जल्द मिले। और फ्रेंड, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें।